जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर स्वयं को एवं अपने परिवार को इस संक्रमण से बचा रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन एवं इस भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आए दिन जानवरों की मौत हो रही है। गौवंश की इस स्थिति को देख शहर के समाज सेवी एवं गौ सेवक डॉक्टर राजू त्यागी एवं उनकी टीम द्वारा लॉकडाउन के प्रारंभ से ही प्रतिदिन बेजुबान जानवरों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज सेवी डॉक्टर राजू त्यागी ने 24 आवर्स टुडे न्यूज को बताया कि वह और उनके सहयोगी जब से लॉकडाउन लगा है तब से प्रतिदिन स्वयं के लोडिंग वाहन में बिना किसी प्रशासनिक सहयोग के सुबह और शाम बेजुबान जानवरों को खाने के लिए ताजी कटी सब्जियां, ताजी हरी घास, भूसा, आटे का मिश्रण दिया जा रहा है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हमारी टीम द्वारा सुबह 7 से 9 एवं शाम को 5 से 7 गौ सेवा की जा रही है। शहर में जितने भी बेजुबान जानवर हैं, जगह जगह जहाँ भी मिलते हैं उन्हें सानी, भूसा, सब्जी, चारा सब कुछ मिला के हमें। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी प्रशासनिक सहयोग हम लोग खनवत खुशी है काम कर रहे हैं, और माँ पीताम्बरा से भी यही प्रार्थना है कि हमारा नदिया अभी तक ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन में ही रहे। सेवा का भाव सिर्फ लगता है कि इंसानों की, मजदूरों की, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, सभी लोग चिंता कर रहे हैं। हमारी टीम में मुख्य रूप से मैं, डॉक्टर राजू त्यागी, अमर सिंह लोधी जो पार्षद भी हैं, शिप्पी भैया, निश्चय जयवानी जी, रवि अहरवाल, राम कुमार गुप्ता जी, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम सहयोग कर रही है।